नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर आ रही है कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए, और उनको एक जबरदस्त झटका लगा है कि लोकसभा से भी उन्हें अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले एक नोटिस आया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब राहुल गांधी भी लोकसभा में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ही यानी कि 23 मार्च को एक जुडिशरी से ऑर्डर आया था जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मुकर्रर की गई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2019 में राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, उसको लेकर जुडिशरी द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, और जिसको लेकर जम्मू में कांग्रेस के कई प्रवक्ता जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब जबकि एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक ऑर्डर जारी किया गया है, ये ऑर्डर क्या है मैं आपके साथ साझा करती हूं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन कॉन्सिक्वेंट अपॉन हिज कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट सूरत इन सीसी 18712/2019 श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द वंदन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 23 मार्च 2023 इन द टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रीड विद द सेक्शन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो जिस तरह से ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट से अभी कुछ ही देर पहले एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, कल जबकि राहुल गांधी को एक जुडिशरी की तरफ से एक कहा गया था कि इनके ऊपर 2 साल की जो सजा है इनको सुनाई गई है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कल से ही यह ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि राहुल गांधी अब लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। ये एक जो है झटका, काफी बड़ा झटका जो राहुल गांधी को अब लगने वाला है और लग चुका है ये भी हम कह सकते हैं। वहीं आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर जुडिशरी ने जो 2 साल की सजा इन्हें सुनाई है उसको लेकर एक बड़ा जो फैसला है लोकसभा जुडिशरी की तरफ से आया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपके साथ साझा की है। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।